हम भी रहेंगे। हम लोग का नाम क्या है? क्या तारीख चलती है? हम लोग के बहुत दिक्कत है गाँव में। हम लोग हम लोग गरीब आदमी है। हमारा ब्लॉक में जाते हैं कम से कम चप्पल किया जाता है। एक काम के लिए 100 बार जाना पड़ता है। अभी तक विकास नहीं हुआ? नहीं, एक भी नहीं हुआ। ऐसे आते हैं फिर भी उन पर हम नाखुश है, इसलिए नाखुश है कि हमको अच्छा कैंडिडेट चाहिए, हमको काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए। उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि एक वार्ड होकर के एक सड़क निकाला। अभी कहना चाहता हूँ, नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में देख रहे हैं कि हमारे साथ सारे लोग बैठे हैं। सबसे पहले हम आपको वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दें कि इसमें 6 विधानसभा, मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज और वैशाली आता है। और यहाँ के सांसदों के बारे में बता दें कि 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ था उस समय दिग्विजय नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बने थे। उसके बाद 1957 में फिर से दिग्विजय नारायण सिंह, 1962 में, 1967 में, 1971 में और 1977 में, मतलब 6 बार दिग्विजय नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे और एक बार भारतीय लोक दल 1977 में भारतीय लोक दल के टिकट पर सांसद बने थे। उसके बाद 1980 में किशोरी सिन्हा जनता पार्टी के टिकट पर, 1984 में किशोरी सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चलाई जा रही थी उसके टिकट पर सांसद बने थे। उसके बाद उषा सिन्हा जनता दल के टिकट पर, शिव शरण सिंह जनता दल के टिकट पर, लवली आनंद उपचुनाव हुआ था 1994 में ये समता पार्टी के टिकट पर सांसद बनी थी। उसके बाद 1996 में, 1999 में, 2004 में और 2009 में रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर यहाँ से सांसद हुए हैं। उसके बाद 2014 में रामा किशोर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर और 2019 में बीना देवी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर सांसद बनी है। वर्तमान में कहा जाए तो अभी बीना देवी ही यहाँ से सांसद हैं और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। यहाँ से दावेदारी पेश करेगी एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में है। और दूसरे तरफ महागठबंधन से या इंडिया अलायंस से राष्ट्रीय जनता दल संभावित प्रत्याशी उसके बताए जा रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला यहां से चुनावी मैदान में होंगे। लोजपा की तरफ से भी कई दावेदार हैं। पहले दावेदार के लिस्ट में जो वर्तमान में सांसद है बीना देवी, उनका नाम आ रहा है। वहीं एक महिला हैं और वो पैक्स अध्यक्ष समूह की अध्यक्षा हैं और वो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र पर, इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह हैं, रविरंजन सिंह हैं और वो जो महिला हैं पैक्स अध्यक्ष समूह वाली, उनका नाम है विनीता विजय। तो ये सारे लोग एक टिकट पर, लोजपा के टिकट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब यहाँ जो लोग हैं उनसे हम जानेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि वर्तमान में जो सांसद हैं उनसे ये लोग कितने संतुष्ट हैं और इनकी राय इस लोकसभा चुनाव में क्या है। चलिए तो आइए हम बारी बारी से बात करते हैं और आपको बताते हैं। चाचा, लोकसभा चुनाव आ गया है, बैठिए बैठिए, बैठ के बैठ के ही बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस लोकसभा चुनाव में कई दावेदार हैं, सब लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप लोग इस बार किनके साथ रहिएगा? चुनावी मैदान में चिराग पासवान और लालू यादव जी की पार्टी RJD है, आप लोग किनके साथ रहिएगा? हम तो चिराग पासवान के साथ रहेंगे। चिराग पासवान जी के साथ रहिएगा? हाँ, चिराग पासवान के साथ रहेंगे, लेकिन पूर्व सांसद जो अभी बीना देवी चला रहे हैं उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बीना देवी से संतुष्ट नहीं है जी? कभी भी उनसे संतुष्ट नहीं है। जो आज 5 साल के रीजन में जी एक बार भी हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में अच्छा पैर और कदम नहीं रखे हैं, इस जनता को कभी एक बार देखने नहीं आए हैं कि किस रूप में चल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, रोड नली गली रास्ता के बारे में एक बार वो चिंतित नहीं किए हैं कि हाँ ये लोग को जनता के पास में क्या समस्या है जी। इसलिए अगर चिराग पासवान से यही आग्रह है जी कि अगर हमारे वैशाली संसदीय क्षेत्र से कोई बैक कास्ट का टिकट मिलेगा तो मैं वोट करूंगा, न तो नहीं करूंगा। क्या कह रहे चाचा? बैक कास्ट को मतलब किसी भी बहुजन समाज के लोग हैं, उनको अगर टिकट मिलेगा तो आप वोट दीजिए? हाँ, करेंगे। किस जाति से आते हैं आप? हम पासवान जाति से आते हैं। मेरा पासवान मेरा नाम रामचंद्र पासवान है जी। और बैक कास्ट को मतलब? हाँ, बैक कास्ट को सपोर्ट करेंगे। काहे ये? इसलिए कि जे हमको इतना दिन से 1952 से लेके आज तक जितना भी भूमिहार ब्राह्मण
और राजपूतों को टिकट दे के और वो लोग हमको जिदा जिदा के आ रहे हैं जी। लेकिन आज तक ले वो लोग हमारा एक भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। हमारा ब्लॉक में जाते हैं जी, कम से कम चप्पल खिया जाता है जी, एको काम के लिए 100 बार जाना पड़ता है। आज भी मैं एक परिवर्जन कराने के लिए ब्लॉक में गए हैं, जिस ब्लॉक के लिए हमको 6 महीना हो गया है, खाली एक नंबर चढ़ाने के लिए तो हमको नंबर नहीं चढ़ा है। यही संसद का काम होता है, ऐसा ही हम ऐसे लोग को चुनेंगे। हमारा संसद ऐसा होना चाहिए कि हमारे जनता को अच्छा से काम करे, देखे मेरा गली नली रोड रास्ता अच्छा है कि नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं है। एक बार भी खबर लेने नहीं आए हैं। हम इस बार हम अपना माने चुनाव में चाहते हैं कि हमारा मन पसंद का माने मंत्री बने जी, सांसद बने। तो चिराग पासवान जी आपके समुदाय से आते हैं, समुदाय से आते हैं, फिर भी उन पर हम नाखुश हैं कि जे इसलिए नाखुश हैं कि हमको अच्छा कैंडिडेट चाहिए, हमको काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए जी। हाँ। चलिए और लोग हैं क्या चाचा? हाँ सही बात जी, सही बात है। 5 साल में कभी जाग पार नहीं आते हैं, कभी नहीं आए हैं बिना ले भी। चिराग पासवान जी से क्या कहना चाहिए? मुझे कहना चाहता बदल देना चाहिए उनको, आदमी बदल देना चाहिए। हाँ तब हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं दीजिएगा, नहीं देंगे। देखिए ये पासवान समुदाय के लोग हैं, उनकी बस्ती है, जरा दिखाएंगे इधर, और सब लोगों से हम राय जानेंगे। दो लोगों से बात हुई, इन्होंने कहा कि हम चिराग पासवान जी से आग्रह करते हैं कि कैंडिडेट बदले। 1952 से लेकर आज तक एक भी बहुजन समाज का व्यक्ति यहाँ से सांसद नहीं हुआ है। और लोग हैं, उनका राय जानते हैं और आपको अपडेट करते हैं। क्या भैया? ठीक है, बात है। किनके साथ रहिएगा आप लोग? चिराग पासवान के साथ है। कैंडिडेट बदलने के लिए चाचा कह रहे हैं? नहीं बदले। क्या कह रहे हैं? कैंडिडेट बदले बस, और कुछ नहीं। और माने ऐसा हो कि हमारा विकास हो, हमारा समस्या को हल करे। अभी तक विकास नहीं हुआ? नहीं, एक भी नहीं हुआ है जी, एक भी काम नहीं हुआ है। घूमते हैं जी, मोहल्ला उल्ला में नहीं घूमते हैं, एक भी काम नहीं हुआ है। अरे सर, आप तनका रोड पर जो चल के आए हैं वो लोग मैं अपना रुपया से खर्चा कर करके आप जैसे कीजिए इसको पास करा के, आज तक ले रोड में पोल खड़ा हुआ है उसको हटाने के लिए, उस पर मेरा अभी रोड बन करके भी गाड़ी नहीं चल सकता है। इतना बात, हम लोग रोड बनने के बाद सोलिंग लगाए हैं तो 1 साल पहले, जिसके लिए हम कितना मकसर करके इस हम अपने पब्लिक के पास से, पब्लिक से माने चंदा करके, सामूहिक करके, सामूहिक चंदा लगा करके इसको माने रोड बनवा करके, फिर भी मेरा गाड़ी यहाँ तक नहीं आती है। रोड में कम से कम 5-6 पुल इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, मैंने कई बार आवेदन दे चुका है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। विकास विकास कुछ कोई काम क्या कर रहे हैं? कुछ काम विकास के नहीं हुआ है यहाँ पर जी। जो भी आदमी आया वोट लेके चला गया, यही चलते हम लोग बोल रहे हैं कि बदले और हमारा काम हो के वैसा आदमी चाहिए, साफ सुथरा आदमी चाहिए। चिराग पासवान जी से आग्रह है, अभी जो टिकट वो देंगे किसी बैक कास्ट के जी, वो सपूत करे टिकट सीट, ताकि हम लोग को विकास हो। विकास ऐसे नहीं हो रहा है? हम तो देखिए, हम तो 5 साल भी वार्ड भी रह चुके हैं, अभी पूर्व वार्ड है, 5 साल रहे हैं वार्ड। जो हम एक वार्ड होकर इतना किए, उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि एक सांसदीय रहकर कुछ नहीं कर पाए इस गांव के प्रति। उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि एक वार्ड होकर के एक सड़क निकाला। अभी कहना चाहता हूँ कि सांसद जो है बीना देवी, वो एक बार भी आए यहाँ, आते तो उनको मैं शर्मिंदा करता कि आप देखो आज जो चल के आई है सड़क पे, वो एक वार्ड बनाया है। क्या कह रहे हैं?